हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। दोस्तों जैसे कि पेपर सिक्स पर बात कर रहे हैं, पेपर सिक्स पर हम कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपी यानी कि संगीत चिकित्सा। इससे पहले हम योगा चिकित्सा कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है, खेल चिकित्सा कर चुके हैं, आज करेंगे संगीत चिकित्सा। यानी कि संगीत चिकित्सा क्या है, म्यूजिक थेरेपी क्या है, और हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संगीत चिकित्सा के कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, और संगीत चिकित्सा के माध्यम से हम कौन कौन से विकासों की कुशलताओं को बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगीत क्या है दोस्तों, म्यूजिक थेरेपी क्या है। सबसे पहले म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं, संगीत अपने आप में है क्या। संगीत एक कला है जिसका अर्थ है सुंदरता को बिखेरना। संगीतकार के द्वारा विभिन्न स्वरों के माध्यम से अपने विचारों को सुंदर रूप से व्यक्त किया जाता है, संगीत कहलाता है। यानी कि संगीत क्या है दोस्तों, म्यूजिक एक प्रकार से एक कला बता रहे हैं, एक कला है जो सुंदरता को बिखेरता है। यानी कि जो संगीतकार होता है वो बहुत ज्यादा सुंदर शब्दों को लेकर व्यक्त करता है, यानी कि सुंदरता को बिखेरता है, विभिन्न स्वरों से अपने विचारों को सुंदर रूप से व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों, संगीत कहलाता है। संगीत चिकित्सा क्या है दोस्तों, संगीत चिकित्सा संगीत से संबंधित है। यानी कि संगीत चिकित्सा जो है, म्यूजिक थेरेपी क्या है, म्यूजिक से संबंधित है, क्योंकि म्यूजिक उसमें कराया जाता है। अब म्यूजिक एक प्रकार का कोई एक्सरसाइज नहीं है, अगर हम बात करें तो क्या है म्यूजिक, तो वही है कि संगीत चिकित्सा संगीत से संबंधित है। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत विकास करना, यानी कि व्यक्तिगत विकास करना, जिसका लक्ष्य असंगति प्रिय और तनाव रहित होकर विकसित करना है, तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालना या समायोजन करना, सही दिशा के लिए अभिप्रेरित करना ही संगीत चिकित्सा कहलाती है, यह संगीत चिकित्सा है दोस्तों। संगीत चिकित्सा क्या बता रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया कि संगीत चिकित्सा क्या है, संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। दूसरा कह रहे हैं इसका लक्ष्य है व्यक्तिगत विकास करना, ठीक है, व्यक्तिगत विकास करना, जिसमें क्या होगा, तनाव रहित होकर यानी कि तनाव को दूर करके विकसित करना और तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालना। यानी कि व्यक्ति जो तनावपूर्ण स्थिति में है, किसी वातावरण में समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालना, समायोजन करना, सही दिशा के लिए अभिप्रेरित करना ही संगीत चिकित्सा कहलाती है, या संगीत चिकित्सा है, ठीक है दोस्तों, संगीत चिकित्सा है। तो संगीत चिकित्सा क्या है, संगीत चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो संगीत से संबंधित है, जो व्यक्ति को बाधा रहित यानी कि व्यक्तिगत विकास कराती है, जो व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करती है, और कह रहे हैं कि तनाव रहित होकर वातावरण को समायोजन यानी कि अनुकूलित करती है, जिससे क्या होता है, सही दिशा प्रेरित करती है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास के लिए। अब संगीत चिकित्सा दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या लाभ है संगीत चिकित्सा से। म्यूजिक दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो खाली समय हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि खाली समय का एक साधन है। संगीत के माध्यम से हम क्या करते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो क्या करते हैं, म्यूजिक चलाया और फिर सुनना स्टार्ट कर दिया, या फिर हम बोर होते होते हैं और क्या होता है कि उस टाइम हमें समझ नहीं आता क्या करें, कोई काम भी नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो केवल वे ऑफ फन के लिए यानी कि केवल मनोरंजन के लिए भी हम म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या लाभ हो सकता है, यानी कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन से हमारे अगर इनके साथ अगर हम म्यूजिक थेरेपी करते हैं या म्यूजिक का माध्यम से हम इनके अंदर क्या लाभ है, बच्चों को कौन कौन से विकास के क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है, कौन कौन से बेनिफिट्स है म्यूजिक थेरेपी से दोस्तों, इसके कुछ उद्देश्य है, कुछ एम्स है म्यूजिक थेरेपी के क्या क्या है देख लेते हैं। शाब्दिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास करना, यानी कि शाब्दिक एवं भावनात्मक यानी कि इमोशनली क्या होता है ना, शाब्दिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास, यानी कि व्यक्ति को क्या है ना, अपने अंदर के विचार व्यक्त करने का मौका मिल पाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि शाब्दिक और उसकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके गुणों का विकास होता है। यानी कि संगीत के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त और विचारों को व्यक्त कर पाता है, सुंदरता को सुंदर शब्दों के उपयोग से सुंदरता को बिखेरता है, तो शाब्दिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास होता है। दूसरा कह रहे हैं सांकेतिक भाषा
का अर्थ समझना, यानी कि क्या उद्देश्य है कि सांकेतिक भाषा का मतलब है कि अगर हम किसी गीत के माध्यम से किसी स्वर का या किसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो किसी चीज को संकेत कर रहे हैं। यानी कि कोई भी आप गीत ले लीजिए, कोई भी ऐसा सॉन्ग ले लीजिए, हर किसी सॉन्ग का एक अपना एक संकेत होता है, एक क्ल्यू होता है, चाहे वो किसी सुंदरता के लिए होगा या प्रकृति के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चीज की एक संकेत होता है कि वह प्रकृति के लिए गा रहा है, प्रकृति की सुंदरता को बिखेर रहा है, तो संकेतिक भाषा का अर्थ समझना। ठीक है, दूसरा है संग्राहक भाषा का विकास, यानी कि संग्राहक भाषा कौशल का विकास। संग्राहक भाषा यानी कि हम कह सकते हैं कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल जो है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि जब हम कोई भी म्यूजिक सुनते हैं तो हम उसको क्या ग्रहण करते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं, रर्जन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए हम उसके अर्थों को समझ रहे हैं, संकेतिक भाषा को समझ रहे हैं। तो म्यूजिक थेरेपी से क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या होगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज का रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलप होगा। उसके बाद कह रहे हैं एकाग्रता का विकास बढ़ाना। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, एकाग्रता के साथ अगर हम बात करें कि कंसंट्रेट कर पाता है बच्चा म्यूजिक के थ्रू, क्योंकि म्यूजिक क्या है, एक प्ले वे है, यानी कि फन वे में अगर हम कोई टीचिंग करा रहे हैं बच्चे को तो म्यूजिक से बच्चा इंटरेस्ट लेता है, और उससे क्या होता है कि बच्चे क्यूरियोसिटी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ रचनात्मक कार्यों में क्या करेगा, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेट करके उस कार्य को सीखेगा। फिर कह रहे हैं आत्मअभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर देना। दोस्तों म्यूजिक थेरेपी के द्वारा क्या होता है, बच्चा चाहे वो कोई राइम्स बोल रहा है या कुछ भी, वह एक छोटा सॉन्ग बोल रहा है, एक लाइन भी अगर बोल रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर दिया जा रहा है, यानी कि बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने का उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से। फिर है समूह सामाजिकता का विकास, यानी कि जब हम कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा है या प्रतियोगिता हो रही है म्यूजिक या म्यूजिक थेरेपी जहाँ दी जा रही है, वहां कौन कौन, कम से कम 5 लोग रहते हैं अगर एक बच्चे की थेरेपी हो रही है तो वहां एक समूह हो गया, 4 या 5 से लोग रहे होते हैं, वो एक समूह कहलाता है। दोस्तों उस समूह सामाजिकता यानी कि समूह में रहकर सामाजिक नियम और तौर तरीकों को सीख रहा है, तो समूह सामाजिकता का विकास होता है म्यूजिक थेरेपी के द्वारा। फिर कह रहे हैं आवाजों को पहचानने एवं स्वरों निकालने का अवसर देना, यानी कि दोस्तों जैसे कि हमें पता है हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साउंड की प्रॉब्लम होती है, अपना साउंड एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी इमिटेट नहीं कर पाते हैं, किस चीज को अनुकरण करने में उन्हें समस्या होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे म्यूजिक थेरेपी के द्वारा, राइम्स अगर हम करा रहे हैं, कोई भी आप ले लीजिए एनिमल्स हो गया या किसी चीज की आवाज हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा उसमें बच्चे आवाजों को सुनेंगे, पहचानेंगे, ठीक है, और अपने अंदर के साउंड निकालेंगे। तो क्या है, म्यूजिक थेरेपी के द्वारा हम बच्चों को आवाजों को पहचानने एवं स्वर निकालने का अवसर दे सकते हैं, ये भी एक म्यूजिक थेरेपी का उद्देश्य है संगीत चिकित्सा का। फिर कह रहे हैं भाषा शिक्षण का समृद्ध माहौल बनाना, यानी कि भाषा शिक्षण यानी कि जहां भाषा शिक्षण यानी कि भाषा सीखना सिखाना चल रहा है जिस क्लास में, तो कह रहे हैं समृद्ध माहौल बनाना, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है, बोलने सुनने कहने और अभिव्यक्त करने का सबका अवसर जहां मिल रहा हो, जहां सक्रिय रूप से बच्चे भाषा शिक्षण कौशल सीख रहे हो या भाषा कौशल सीख रहे हो, तो क्या है म्यूजिक थेरेपी द्वारा क्या है एक उद्देश्य है, इसके माध्यम से हम समृद्ध माहौल या वातावरण बच्चे के सीखने के लिए बना सकते हैं म्यूजिक थेरेपी द्वारा। यानी चिकित्सा अगर हम दे रहे हैं, संगीत चिकित्सा दे रहे हैं जिस जगह पर जिस क्लास में, तो वहां क्या हो रहा है, भाषा शिक्षण एक समृद्ध माहौल बन रहा है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा बोल रहा है, बच्चा साउंड निकाल रहा है, आवाजों को पहचान रहा है, तो एक प्रकार से बच्चा क्या कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है ना उसका, तो वहां पर क्या हो रहा है कि भाषा शिक्षण का समृद्ध माहौल बन रहा है, यानी कि एक सक्रिय वातावरण अनुकूलित हो रहा है। ये थे दोस्तों हमारे उद्देश्य संगीत चिकित्सा के, लाभ कौन कौन से हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले कह रहे हैं आत्मविश्वास अभिव्यक्ति भाषा कौशल बढ़ाना, यानी कि आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका अभिव्यक्ति, यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, एक्सप्रेस करना यानी कि किस चीज को व्यक्त करना, तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कौशल यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल उसका क्या होगा, बढ़ावा होगा, संगीत के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा, तो ये एक लाभ है। दूसरा कह रहे हैं आदर्श जीवन का निर्माण, आदर्श जीवन का निर्माण क्यों होगा दोस्तों म्यूजिक थेरेपी से, कि बच्चा एक तो सामाजिक तौर तरीके सीख रहा है, सामान्य रूप से वह भाषा कौशल सीख रहा है, तो उससे क्या होगा, जब संपूर्ण चरित्र
का विकास होगा बच्चे का तो आदर्श जीवन का निर्माण होगा। फिर कह रहे हैं तनाव एवं चिंता को कम करना। जैसे कि हमें पता है हमारे कुछ विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं अपनी मनोदशा को लेके या शारीरिक दशा को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डीप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो म्यूजिक थेरेपी के द्वारा हम उन बच्चों को चिंता से मुक्त कर सकते हैं, तनाव से बाहर निकाल सकते हैं। फिर कह रहे हैं वातावरण अनुकूलित एवं सहज माहौल बनाना, यानी कि वातावरण को अनुकूलित करना। कहीं पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल है, किसी क्लास में बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता हो रही है, समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें, बच्चे बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहे हैं किसी टीचिंग से, तो वहां पर हम क्या करेंगे, म्यूजिक थेरेपी द्वारा बच्चे के अनुसार वातावरण को अनुकूलित कर देंगे और एक सहज संपन्न सा माहौल बना देंगे। ठीक है, ये लाभ है म्यूजिक थेरेपी से। फिर कह रहे हैं तनावपूर्ण स्थिति में समायोजन कौशल विकसित करना, यानी कि कहीं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनावपूर्ण वही चीज हो गई, सेम यही हो गया, वातावरण अनुकूलित करना या तनावपूर्ण स्थिति में समायोजन कौशल विकसित करना। अगर बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, किसी क्रिया में भाग नहीं ले रहा है या उसका मन नहीं हो रहा है, इंटरेस्टिंग टीचिंग नहीं है, अगर हम चाहें अगर उसको म्यूजिक पसंद है, यहाँ पर अगर उसको इंटरेस्टिंग अगर ये चीज है कि उसको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी आदत है म्यूजिक के साथ काम करना, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस बच्चे को समायोजन करने के लिए हम म्यूजिक थेरेपी के द्वारा तनावपूर्ण स्थिति में समायोजन कौशल को विकसित करेंगे। फिर कह रहे हैं सामाजिक कौशलों को विकसित करना, यानी कि सामाजिक कौशलों को विकसित करना, जैसे कि बताया हमने एक इसका उद्देश्य भी है कि बच्चे के साथ जब हम म्यूजिक थेरेपी जहाँ चल रही है वहाँ 5 बच्चे बैठे हैं, टीचर्स है, संगीतकार है और भी सारे लोग हैं दोस्तों, तो वहाँ क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में क्या कर रहे हैं, ग्रुप के जो नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं, लीडरशिप होती है, उन सभी कौशलों का विकास हो रहा है, तो म्यूजिक थेरेपी के द्वारा सामाजिक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं खाली समय का सदुपयोग करना, यानी कि म्यूजिक थेरेपी द्वारा हम खाली समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं, एक मनोरंजन के तरीके से कि एक मनोरंजन पूर्ण क्रियाकलाप को हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक करा सकते हैं, यहाँ पर खाली समय का प्रयोग हो रहा है और मनोरंजन क्रियाकलाप भी करा रहे हैं। फिर है वातावरण में अंतःक्रिया विकसित करना, अंतःक्रिया का विकास करना या विकसित करना। वातावरण में अंतःक्रिया कैसे होगी दोस्तों, जैसे कि म्यूजिक चल रहा है, कोई बच्चा अगर अपना एक कोई सॉन्ग कर रहा है या राइट बोल रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, म्यूजिक थेरेपी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, जहां पूरा समूह है, जहां बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, सिंगर भी है, वहां अंतःक्रिया हो रही है, यानी कि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है और टीचर्स फीडबैक दे रहे हैं उस चीज को, तो सक्रिय रूप से जो वातावरण है वो सक्रिय रूप से अंतःक्रिया कर रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, वातावरण में अंतःक्रिया का विकास, यानी कि जो बच्चे वहां बैठे हुए हैं उन सभी के साथ बच्चे भी अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया का विकास हो रहा है। फिर कह रहे हैं संगीत के माध्यम से संवेगों का विकास करना, दोस्तों संगीत के माध्यम से संवेगों का विकास क्या है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की भावनाएं हमारे जो अंदर होती हैं उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उससे क्या होता है, हम उस इमोशन का किसी चीज से रिलेट करते हैं, चाहे वो नेचर से रिलेट कर रहे हैं, किसी रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो फीलिंग्स है उन वो सारी फीलिंग्स हमारी डेवलप होंगी सिंगिंग के माध्यम से, तो म्यूजिक थेरेपी द्वारा हम संगीत के माध्यम से संवेगों का विकास भी कर सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में। दोस्तों ये थे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ और म्यूजिक थेरेपी के जो उद्देश्य थे बच्चों के लिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।